नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी बड़ो बालाजी धाम में चल रही 51 कुंडी श्री राम महायज्ञ एवं वेद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान गंज बसौदा विधायक लीला संजय जैन टप्पू ने बालाजी धाम पहुंची, महायज्ञ में शामिल होकर परिक्रमा कर श्री राम महाकथा का श्रवण किया। इसी दौरान महंत विष्णु दत्त महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया एवं उन्होंने कथा श्रवण कर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, धर्म के प्रभाव से ही अपना उद्धार हो सकता है एवं धर्म वह है जिसको अंगीकार करके अपना स्वयं का उद्धार कर सकता है। धर्म किसी का भी हो, वह अपने शरीर में जड़ी बूटी का काम करता है। जो इसको ग्रहण करता है वह सुख में रहता है, जो व्यक्ति ग्रहण नहीं करता वह सदा दुखी रहता है। विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। थोड़ा सा ये मेला छोटा हो गया, पर मैं कहूंगी कि कोई छोटा नहीं हुआ। ईश्वर के दरबार में छोटा बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। जहाँ ईश्वर का दरबार है वहाँ पर तो आशीर्वाद गुरुओं का मिलता ही रहता है। और जो जिस तरीके से श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित होते हैं उसकी तो कोई प्रभावना ही नहीं होती है। हमारे इस क्षेत्र की में धर्म की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे, हमारे बालाजी सरकार की आशीर्वाद हम सब पे निरंतर बना। जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाइएगा। बोले बालाजी सरकार की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलो रामचरितमानस भगवान की। समिति अध्यक्ष रघु ठाकुर आए और विधायक जी का स्वागत करें। रघु ठाकुर, उपाध्यक्ष हरिनेश जी यादव जो समिति उपाध्यक्ष है वह आए और विधायक जी का स्वागत करें। गिरिराज किशोर जी दीक्षित जो समिति के व्यवस्थापक हैं, पूर्व व्यवस्था देख रहे हैं, आए और विधायक जी का स्वागत करें। मुख्य यजमान कथा के कमलेश सिंह जी यादव आए और विधायक जी का स्वागत करें।